आज हम 18 नवंबर की श्रीवदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जहां परमात्मा पिता चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम जो यज्ञ चल रहा है जिसमें आहुति दी जाती है, अग्नि जलाई जाती है, अग्नि कुंड होता है, उसमें आहुति दी जाती है, तेल की, जौ की, बहुत सारी चीज़ें, कहीं कहीं सैंडलवुड की लकड़ियाँ भी डाली जाती हैं सुगंध के लिए। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि ये जो यज्ञ जो है, जो उन्होंने स्थापन किया है प्रभु कुमार इसके द्वारा, जिसमें कि हम सैंडलवुड नहीं जलाते हैं, तेल नहीं जलाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के अहंकार को, क्रोध को, ईर्ष्या को, नफरत को, घृणा को, देह के अभिमान को जलाते हैं। वो तभी जल सकता है जब हम सबसे पवित्र शक्ति के साथ में जुड़ते हैं जिसका कोई शरीर नहीं है, क्योंकि हमें शरीर का अहंकार है, लेकिन उनके पास शरीर ना होने के कारण उनको कोई अहंकार नहीं, उनको शुद्ध आत्मा, परमात्मा होने का, परम आत्मा होने का उनके पास में शुद्ध पवित्र प्राइड है, उसको हम अभिमान नहीं कहेंगे, शुद्ध प्राइड है। वही चीज हम भी अपने अंदर ला सकते हैं अगर हम कॉन्स्टेंटली उनके टच में रहे, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। कहते ना कि जैसा संग वैसा रंग, तो परमात्मा का संग करने से उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ना शुरू होता है, और जब हम उनकी याद में रहते हैं, वो अग्नि जलती रहती है उनकी याद की, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जितना भी धूल मिट्टी है, कहते हैं कीटाणु हमारे अंदर, कहते हैं यज्ञ से क्या होता है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, कीटाणु वीटाणु सब खत्म होते हैं, लेकिन मन के कीटाणु खत्म होते हैं क्या? क्योंकि यज्ञ तो आपने किया, उसके बाद में फिर से आप अपने आप में किसी बात पे झगड़ा करो, किसी बात पे क्रोध करो, अहंकार करो, नफरत करो, घर की हालत वैसे की वैसी रह जाएगी। तो एक्चुअली आहुति देनी किस चीज की थी? वाच परमात्मा सिखाते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि योग की करंट, योग मतलब हो गया यूनियन, जोड़, आत्मा मुझ आत्मा, आप आत्मा का परमात्मा के साथ में कनेक्शन, उनके संग में रहने का कनेक्शन, जो कि हम ब्रह्म कुमारी में मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग मेडिटेशन, या उसको आप कहें योग या कहें मेडिटेशन, सही वर्ड योग है, योगा नहीं, योगा फिजिकल हो गया, लेकिन राजयोग कि मैं परमात्मा के साथ में अपना कनेक्शन जोड़ करके क्रोध के ऊपर जीत पाऊं, तो मेरा सेल्फ कंट्रोल हो गया, मैं राजा बन गया अपने मन का, किसी ने कुछ गलत कह दिया लेकिन मेरा अपने मन के ऊपर कंट्रोल आ गया, मैंने सहन कर लिया, मैंने प्यार से बात कर लिया, मैंने नम्रता से बात कर ली, तो मैं राजा बन गया अपने मन का और बुद्धि का। इसको कहते हैं राजयोग, राजा बनाने वाला कनेक्शन परमात्मा के साथ। तो योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा, करंट के वाइब्रेशन द्वारा परमात्मा से जुड़ने से करंट जैसा महसूस होता है, फिजिकल करंट नहीं, झटकाने लगता है 440 वोल्ट का, वो करंट नहीं है, ये करंट है आपका, उनके पावर को आप महसूस करते हो, आप आत्मा महसूस करते हो शरीर के बाद में। द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भवा, जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो कि हम औरों को भी परमात्मा से जोड़ें, परमात्मा का संग कैसे करना है, योग सिखाए, मेडिटेशन सिखाए, ब्रह्म कुमारी 150 देशों में सिखाती है, वो भी निःशुल्क, बिना कोई पैसे लिए हुए, इमेजिन करिए, क्योंकि परमात्मा कभी अपने बच्चों से पैसे नहीं लेता है, किसी भी कोर्स के लिए क्या लेगा परमात्मा पैसे है। तो परमात्मा बोलते हैं कि जैसे ब्राह्मण फैमिली बनाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो, जो कोई भी आत्मा, परमात्मा में आत्मा की नजर से देखते हैं, शरीर नहीं कहते, स्त्री पुरुष नहीं कहते, जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किनारा मतलब क्या हो गया, जिसे कहा जाता है कि यज्ञ में बीच में उठ के जाना ऑस्पिशियस नहीं होता है, आपने अच्छा नहीं किया कि आप यज्ञ चल रहा था, स्वाहा कर रहे थे, आप उठ के चले गए, ये भक्ति नहीं कहते। उसी तरीके से आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, परमात्मा से जुड़ना शुरू हुआ, और बीच में आपके अंदर शक्ति आ रही थी कि आप अहंकार के ऊपर जीत पा रहे थे, आपको क्रोध कम आना शुरू होता, आपके अंदर ईर्ष्या थोड़ी कम होनी शुरू थी, लेकिन आपने बीच में यज्ञ छोड़ दिया, मतलब आपने परमात्मा से कनेक्शन छोड़ दिया, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली, अगर घर का कोई परिवार का व्यक्ति अगर घर छोड़ के चले जाता तो कैसे होता, घर कमजोर हो जाता है। उसी तरीके से जब हम सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अगर हम मेडिटेट नहीं करते हैं और 5-10 लोग होते चले जाते हैं, तो उसकी ऑरा कम हो जाती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो परिवार का सर्कल कम हो जाता है, उसकी ऑरा कम होने से क्या होता है, फिर बाहर के लोग आकर के आपके घर में कुछ भी कर सकते हैं, कहते ना घर का भेदी लंका ढाई, तो उसी तरीके से घर से अगर कोई चले जाता है दूर, अगर यज्ञ से कोई चले जाता है दूर, तो ऑरा कम होने से नेगेटिविटीज बढ़नी शुरू होती हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, किले को ऐसा मजबूत बनाओ
जो कोई जा ही नहीं सके। अभी किला कोई फिजिकल किला नहीं, ये हमारे ऑरा का किला है। जितना परमात्मा से वाइब्रेशन में कनेक्टेड रहेंगे, उनकी प्योर पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे अंदर आकर के, हम आत्मा के अंदर आकर के इनफाइनाइट फॉर्म में, बेहद की फॉर्म में चारों तरफ फैलती है। ये ऑरा प्रोड्यूस करती है। आप अगर सुबह उठ करके चार मिनट मेडिटेट करते हैं तो आपके घर वालों को भी वो ऑरा महसूस होती है, उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। अगर आप ये चीज शाम के समय अपने ऑफिस में करें तो ऑफिस की ऑरा चेंज हो जाएगी। कहीं भी कर सकते हैं इसको, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं मेडिटेशन, इतना आसान है। याद तो करना है परमात्मा को, है ना। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा, मेडिटेशन योग कनेक्शन, परमात्मा और हम आत्मा का कनेक्शन को कहते हैं योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तार लगा दो, ताकि कोई बाहर ना जा पाए। वो करंट की फिजिकल तार नहीं है, वाइब्रेशन ऑरा की तार है, प्योरिटी की शक्ति की तार। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। परमात्मा चाहते हैं कि मेजोरिटी से मेजोरिटी आदमी अपने अंदर के काम क्रोध दो नफरत आने से विलंबन को छोड़े, ताकि दुनिया नर्क से स्वर्ग बन जाए। ये सारी जो हमारे अंदर इम्प्योरिटीज है या वायरस का है, क्रोध करना, अहंकार करना, ईर्ष्या घृणा करना, इस कारण से आज दुनिया नर्क बनी हुई है। घर घर में झगड़े हैं, घर घर में अशांति है। परमात्मा चाहते हैं कि हम इस योग की ताकत से हम यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा कर दें, उस अग्नि में, परमात्मा की याद की अग्नि में सब कुछ स्वाहा कर दें। और होता भी है, वो जैसे जैसे स्वाहा होता जाएगा, जितने लोग उसमें स्वाहा करते जाएंगे अपने अंदर की कमजोरियों को, उतना ही दुनिया में परिवर्तन और दुनिया नर्क से स्वर्ग हो जाएगा। ये सब कुछ सिखाया जा रहा है ब्रह्म कुमारी से, पहले ही सिखाया जा रहा है, इसके पहले कि दुनिया का परिवर्तन हो जाए, जिसको कहते हैं रेवोल्यूशंस क्रिश्चियनिटी में, या जिसको कहते हैं आपका कयामत के समय के पहले का परमात्मा का आखिरी संदेश, आखिरी पैगंबर का संदेश। तो वो आखिरी पैगंबर का ये संदेश है कि स्वाहा करो मुझसे जुड़ करके। आप भी आइए सीखिए इस चीज को ब्रह्म कुमारी में, निःशुल्क 150 देशों में सिखाया जाता है। इसके साथ ओम शांति।